इंडिया टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक है। 10th 12th फेल व कम्पार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी सीग्रा व पांडेपुर वाराणसी। BHU अस्पताल में सक्रिय एम्बुलेंस दलालों के खिलाफ छात्रों ने खोला मोर्चा। बोले चीफ प्रॉक्टर करेंगे बड़ी कार्रवाई। BHU के सर सुंदरलाल चिकित्सालय में सक्रिय एम्बुलेंस दलालों के खिलाफ BHU के छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। लगातार मिल रही शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए इस मामले की लिखित सूचना छात्रों ने चीफ प्रॉक्टर VC कापरी को दी। छात्रों ने उन्हें बताया कि दूर दराज से आ रहे गरीब मरीजों को दलाल अपने चंगुल में फंसा कर प्राइवेट अस्पतालों में पहुंचाकर अपना कमीशन लेकर चलते बनते हैं। उसके बाद फिर उस गरीब मरीजों का शोषण शुरू हो जाता है। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। बुधवार को वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने जिले के सभी इलेक्शन रिटर्निंग अफसरों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने निर्वाचन संबंधी कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने की सख्त हिदायत दी और मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण कार्य की समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया कि सभी BLO द्वारा अपने अपने क्षेत्र में रह रहे मतदाताओं से फॉर्म प्राप्त करें। उन्होंने विधानसभा रोहनिया कैंटोनमेंट एवं सेवापुरी के BLO द्वारा मतदान स्थलों के फोटो अपलोड करने की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। आदमपुर थाना क्षेत्र के भदौ चुंगी तिराहे पर बुधवार को एक अनियंत्रित मालवाहक पिकअप पलटने से ड्राइवर समेत कई लोग घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर पहुंचे स्थानीय लोगों और पुलिस के जवानों ने सभी घायलों को उपचार के लिए कबीर चौरा मंडली अस्पताल भेजा। जानकारी के अनुसार जलीलपुरा निवासी अक्षय आनंद का ड्राइवर चौगा घाट से माल उतार कर आ रहा था। इस दौरान स्कूटी सवार शिव पूजन जब तिराहे पर स्कूटी निकाल रहा था, तभी तेज रफ्तार मालवाहक ऑटो से सामने आ गई और ब्रेक मारने के चक्कर में अनियंत्रित होकर रोड पर ही पलट गई। इसमें उस पर सवार ड्राइवर समेत 6 लोग घायल हो गए। वो हमारा 3 पहिया का पिकअप था, वही पलटी मार गया था, अचानक ब्रेक लगा दिया। वाराणसी के रामनगर नगर पालिका परिषद में सभासदों द्वारा नगर के विकास कार्यों को न कराने का आरोप लगाकर आज दूसरे दिन अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे सभासदों ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पालिका के खाते में करोड़ों रुपए डंप पड़े हुए हैं, पर अधिशासी अभियंता और नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा कार्य नहीं कराया जा रहा है। हम लोगों ने इसको लेकर कई बार उनसे मिलकर विकास कार्य कराने की मांग को लेकर उनके पास गए, पर हम लोगों की बात नहीं मानी गई, जिससे रामनगर के सभासद द्वारा आज नगर पालिका गेट पर दूसरे दिन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं सभासदों ने पालिका के गेट पर पुतला दहन किया। 7 महीना पहले श्रीमान जिला अधिकारी के महोदय से सारे फाइलों पर स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। 4 महीना पूर्व यहाँ के अधिशासी अधिकारी यहाँ पर पदभार संभाले, उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी कार्य विकास से संबंधित नगर में नहीं हो पा रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय स्थित संबोधित सभागार में वाणी प्रकाशन और सामाजिक विज्ञान के संयुक्त तत्वाधान में वाणी युवा कविता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध कवि उमेश शुक्ला का कविता पाठ उनकी अध्यक्षता में युवा कवियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को पौधा भेंट कर स्वागत किया गया। वाणी प्रकाशन द्वारा सामाजिक विज्ञान संकाय के संबोधी सभागार में दूसरे दिन भी पुस्तक मेले का भी आयोजन किया गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि कविता में इंटरेस्ट रखते हैं, वो यहाँ पर आज काव्य पाठ करेंगे और इसके लिए इनकी अध्यक्षता कर रहे हैं काशी के ही एक कवि व्योमेश शुक्ला जी। और इस प्रकार एक तरह से आज काव्य पाठ का आयोजन किया जाएगा और इसी तरीके से कुछ ना कुछ कार्यक्रम हम लोग रोज करते हैं। और ये सब एक सम्मिलित प्रोग्राम है जो स्टूडेंट्स का है। कोरोना के 2 साल के पश्चात एक मतलब आपस में एक दूसरे से रूबरू होने का जो मौका मिला है, ज्ञान को एक दूसरे ज्ञान आपस में आदान प्रदान करने का मौका मिला है। मुगलसराय स्थित DDU जंक्शन के समीप बुधवार को बड़ा रेल हादसा हो गया। यहां पटरी टूटने से मालगाड़ी पर लदे 8 कंटेनर पलट गए।
वहीं इस घटना से नई दिल्ली हावड़ा रेल रूट का डाउन मेन लाइन पर परिचालन पूरी तरह बाधित हो गया, जिसके चलते करीब आधा दर्जन ट्रेनें जहां तहां फंस गई। आरपीएफ की टीम के साथ रेलवे के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू में जुट गए। राजकोट से कंटेनर लेकर सियालदह डिवीजन के काशीपुर स्टेशन जा रही मालगाड़ी अचानक डीरेल होकर पटरी से उतर गई, जिसके चलते मालगाड़ी पर लदे करीब 8 वैगन पलटकर नीचे गिर गए, जिसमें टाइल्स समेत भारी मात्रा में लदा सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे करोड़ों की क्षति का आंकलन किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश के नेतृत्व में नीट यूजी की परीक्षा में धांधली करने वाले सॉल्वर गैंग से जुड़े सदस्यों पर शिकंजा कसता जा रहा है। इस मामले में ताजा अपडेट ये है कि सारनाथ पुलिस ने शिवनगर मॉडर्न कला के पास अगरतला वेस्ट त्रिपुरा निवासी तपन साह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। गिरफ्तार करने वाली टीम में एसओ अर्जुन सिंह, विवेचक सूरज तिवारी शामिल रहे। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बताया कि गिरफ्तार तपन साह ने नीट यूजी की परीक्षा में एडमिशन के लिए पहले से इनामिया आरोपी मृत्युंजय देवनाथ के माध्यम से सॉल्वर बैठाकर परीक्षा दिलवाने के आरोपों को स्वीकार किया है। नीट यूजी में वाराणसी के परीक्षा सेंटर से बीते सितंबर महीने में फर्जी परीक्षार्थी जूली के पकड़े जाने के बाद पुलिस का शिकंजा इस गैंग में शामिल लोगों पर कसने लगा है। वहीं अब वाराणसी में ही यूपी पुलिस की सीधी भर्ती परीक्षा में भी एक फर्जी कैंडिडेट पकड़ा गया है। थाना रोहनिया पुलिस ने इस मामले में दूसरे परीक्षार्थी के स्थान पर परीक्षा देने आए अभियुक्त सिकेंद्र ठाकुर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित सब इंस्पेक्टर नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर पीएससी अग्निशमन द्वितीय अधिकारी की सीधी भर्ती 2020-21 की ऑनलाइन परीक्षा कराई जा रही है। वाराणसी के घाटों पर देव दीपावली को लेकर विभिन्न संस्थाओं द्वारा तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं, जो धीरे धीरे अंतिम रूप लेती जा रही हैं। राजघाट से लेकर अस्सी घाट तक देव दीपावली की तैयारियां जोरों पर हैं। बुधवार को अस्सी घाट पर मिट्टी समतलीकरण का काम शुरू हो गया है। यहां काम करा रहे नमामि गंगे के सदस्य आशीष सिंह ने बताया कि यहां पर 50 मजदूर लगाए गए हैं। वहीं नगर आयुक्त के निर्देश पर एवं स्वास्थ्य अधिकारी राम सकल यादव के संयोजन में देव दीपावली की तैयारी के मद्देनजर पुष्कर तालाब पर भी साफ सफाई कराई जा रही है। इसके अलावा राजघाट पर घाटों को सजाया जा रहा है। आम जनता को परेशानी न हो, ये जो सील्ड जमा है, दलदल है, इसलिए हम इस पर मिट्टी डालकर एक पटरा डाल रहे हैं, जिससे आदमी इसमें रात को फंस न पाए। हॉट एयर बैलून में सवार होकर बनारसियों ने 1000 फुट ऊपर से निहारी अपनी काशी। शुरू हुआ 3 दिन का रोमांच। आगामी 19 नवंबर को देव दीपावली से पहले बुधवार को काशी में रोमांच के शौकीनों के लिए हॉट एयर बैलून की सेवा को शुरू कर दिया गया है। 3 दिन तक चलने वाले इस रोमांचक आयोजन में पहले दिन काफी संख्या में पर्यटकों ने 1000 फुट की ऊंचाई से अपनी काशी का दीदार किया। पर्यटन विभाग ने हॉट एयर बैलून में घूमने के लिए प्रति व्यक्ति 500 रुपए शुल्क तय किया है। एक हॉट एयर बैलून में एक बार में अधिकतम 30 लोग उड़ान भर सकते हैं। इसके लिए चौका घाट स्थित सांस्कृतिक संकुल से टिकट प्राप्त किया जा सकता है।